अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। संभालो। मनुष्य और यहाँ मैं नहीं मान सकता, जाकर खुद देख लो। सचमुच मनुष्य मैं तो चला। भागो, जल्दी भागो, उन्होंने देख लिया तो जान से मार डालेंगे। चलो जल्दी चलो। डरपोक कहीं के, उन्हें जाने दो। शेर खान तुम मुझसे बात करो। बहुत अच्छे, शेर खान को उलझाए रखो। शिकारी यहाँ पहुंचे तो इसे बचाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। इस बार मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। अरे जाओ, तुम अपनी फिक्र करो। खामोश। अच्छा मौका है भालू, निकल चलो। ठीक है, जल्दी चलो। क्या हुआ मोगली? मोगली रुक जाओ। जाने दो उसे बगीरा, वो हमारी तरह भेड़िया नहीं है। ओ, फिर वही बात, चंदा मोगली हमारा साथी है। चलो नीचे उतरो, यही वो जगह है, जल्दी से खोदना शुरू करो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो जल्दी। क्या यहाँ खोदना है? बेवकूफ, डरते क्यों हो? काम शुरू करो जल्दी। कौन है उधर? बंदर कहीं के। बगीरा। धीरज रखो मोगली, देखो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लगता है वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। निकल चलो। घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। वो नहीं जानते हम यहाँ हैं। उन्होंने बंदरों को शांत करने के लिए धमाका किया था। यहाँ चुपचाप खड़े रहो और देखते रहो। आज बदला लूंगी अपनी बहन के खून का। चंदा रुको, उसे जाने दो, वो गुस्से में है। इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी। तुम अपनी जान खतरे में मत डालो विक्रम, झुंड को तुम्हारी जरूरत है। तुम समझते क्यों नहीं भालू, चंदा अकेली खतरे में पड़ सकती है। मत जाओ विक्रम। मोगली मुझे जाने दो। रुक जाओ विक्रम, मत जाओ। तुम्हें कुछ हो गया तो लीला का क्या होगा? बोलो विक्रम, विक्रम। लीला, कितने जालिम हैं, मेरी बहन को मार डाला, छोड़ूंगी नहीं भी। बचो भेड़िया। मोगली पागल मत बनो, जाने दो मुझे। मत जाओ विक्रम, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई चोट पहुंचे। उन्होंने चन्ना को मार डाला, बंदरों को भी मार डाला। अगर उनका सामना करना ही है तो मैं करूंगा। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, समझे? तुम्हारी यही हिम्मत अब नहीं छोड़ूंगा।
जाने दो इसे। छोड़ दो इसे, मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। शैतान भेड़िए, अब तुम नहीं बचोगे, बहुत उछल रहे थे। वो गुस्से में पागल हो गए हैं, हमें नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो, चलो, चलो। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? बेवकूफ, वो सिर्फ एक भेड़िया है। चलो अपना काम करो वरना सबको गोली मार दूंगा। तो ऐसे होते हैं मनुष्य। मेरे पास एक तरकीब है चंदा को बचाने की। मुगली कहाँ है? उधर। मैं यहाँ हूँ बघीरा। बघीरा ने एक तरकीब सोची है निकलने की। मैंने भी एक तरकीब सोची है, मैं उन्हें अपने पीछे लगाऊंगा। तुम चुपचाप चंदा को लेके भाग जाना। तरकीब तो अच्छी है लेकिन उन्हें अपने पीछे मैं लगाऊंगा, ये मेरा काम है। मोगली! नहीं, उसे जाने दो बघीरा, अब वो नहीं रुकेगा। बिल्कुल ठीक भालू, हाँ बहुत अच्छी तरकीब है, अगर कामयाब रही तो हम सब बच जाएंगे। वो क्या है? गोली चलाओ जल्दी। मेरे पीछे आओ। आओ चले। अरे ये क्या, यहां तो कुछ भी नहीं। बड़ी अजीब बात है। चुपके से। सुनो जल्दी से इधर आओ, वो देखो। अब नहीं बचोगे। वहां क्या हो रहा है? कहां? शायद झाड़ियों के पीछे कोई छिपा हुआ है। चलो चलकर देखे तो सही। आओ चले। उन्होंने मोगली को देख लिया। बघीरा! रुको बघीरा, इसे मैं देखता हूं। ये मारा, बहुत अच्छे। ओह मोगली। भालू चंदा का ख्याल रखना। क्या? मत जाओ विक्रम। मैं जाऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं, मोगली ने चंदा को बचाने के लिए ऐसा किया है, हमें चंदा को लेकर निकलना चाहिए। वो मोगली और बघीरा। बघीरा मोगली को ढूंढने के लिए अपनी जान तक लड़ा देगा। तुम चंदा को लेकर निकल जाओ, मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। जाओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं, अभी अभी मैंने यहाँ एक भेड़िया को मारा था। अरे छोड़ो, वाकई अगर तुमने मारा था तो कहाँ चला गया? देख क्या रहे हो, चलो काम करो। लगता है वो अब नहीं लौटेंगे। मुझे माफ कर दो चमेली। नहीं विक्रम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सारा दोष मेरा है, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे माफी मांगने से मोगली वापस तो नहीं आ जाएगा? ठीक कहते हो। मनुष्यों ने जरूर उसे कहीं कैद कर लिया होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। मैं भी चलती हूँ।
रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये कानून के खिलाफ है। क्यों दादाजी? सुना नहीं तुमने? सुनो, जोश में आकर ऐसा कोई काम मत करो जिससे दूसरों को तकलीफ हो। याद रखो, मोगली ने चंदा को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, उसने झुंड के लिए एक महान कार्य किया है, क्या तुम्हें खुशी नहीं? चंदा, मोगली हमारा सदस्य था और बगीरा हमारा दोस्त, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्या तुम हिस्सा लोगी? हाँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बहादुर मोती का बेटा मोगली और हमारा दोस्त बघीरा, जिन्होंने अपने आखिरी दम तक जंगल के नियमों का पालन किया, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि उनके आत्मा को शांति मिल सके। मैं कहाँ हूँ? चंदा, भालू, विक्रम सब कहाँ गए? उनकी चिंता मत करो मोगली। बघीरा, तुम यहाँ? जहाँ तुम वहाँ मैं। बघीरा, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। बघीरा, मुझे माफ कर दो, उन्होंने तुम्हें मारा। घबराओ नहीं, जरा सी खरोंच है, कुछ नहीं हुआ, देखो। लेकिन वो कहाँ है बघीरा? काली गुफा के नीचे। मोगली, जब मुझे चोट लगी तो गिरते गिरते मुझे जमीन पर एक सुरंग का मुंह दिखाई दिया, मैं तुम्हें भी यहां ले आया। जब तक शिकारी हमें ढूंढना बंद न कर दे, हमें यहीं छुपे रहना होगा। ठीक है, हम? हाँ, ये सब मनुष्यों ने बनाया है मोगली। काली गुफा हमेशा खाली नहीं रही, बहुत समय पहले यहाँ मनुष्य रहा करते थे, वो बड़े शूरवीर और ताकतवर थे, फिर भी शांति से ना रह सके। चंदा के कहने पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब मानता हूँ कि मनुष्य सच में जालिम होते हैं। वो खाने के लिए शिकार नहीं करते, वो शौक के लिए करते हैं। मैं भी इनमें से एक हूँ। हाँ, ये सच है कि तुम एक मनुष्य हो, तुम भले ही मानने से इनकार करो, तुम जानते हो मैं तुम्हें हमेशा क्यों बचाता हूँ? शायद इसलिए कि तूने पिताजी से वादा किया था मुझे बचाने का। वो तो है ही, एक और वजह भी है, एक बार मनुष्य ने मेरी जान बचाई थी। हाँ, मनुष्य ने? बहुत पुरानी बात है, जब मैं बच्चा था, एक शिकारी ने मुझे माँ को पकड़ लिया और नगर में ले गया, वहां मुझे मेरी मां से अलग कर दिया गया, न जाने उसे कहां ले गए, मैं दोबारा उसे कभी न मिल सका। फिर एक आदमी ने मुझे खरीद लिया और अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, न खाते हो न पीते हो, अब देख क्या रहे हो, चुपचाप खाना खाओ, गुर्राओ मत। सुना नहीं मैंने क्या कहा? खाओ, मैंने तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया है, भागने नहीं दूंगा यहां से, समझे? पिताजी, इस तरह मत डांटो उसे, वो घबरा जाएगा। तुम समझती क्यों नहीं बेटी, ये जंगली तेंदुआ है, तुम इससे दूर ही रहा करो, अभी ये भले ही छोटा है फिर भी खतरनाक साबित हो सकता है, चलो अंदर, कहीं काट ना ले तुम्हें।
मुझे परवाह नहीं, तुम तो बहुत प्यारे हो। बघीरा, ये नाम उसी ने मुझे दिया था। वो रोज मेरे लिए खाना लाती, लेकिन मैं इतना छोटा था, कुछ खा ही नहीं सकता था। ये लो बघीरा, ये खाओ, थोड़ा सा तो खा लो। बघीरा, ओह क्या हुआ तुम्हें? ओह बघीरा, अच्छा ठीक है, मैं कुछ और लाती हूँ। हाँ चलो दूध पियो, तुम्हें अच्छा लगता है ना, इसे चाहते। शाबाश, अच्छा बच्चा है। पिताजी। गुड्डी, ये तेंदुआ यहाँ कैसे आ गया? अब मैं इसकी हड्डी पसली एक करता हूँ। क्यों आया यहाँ पर, बोल क्यों आया यहाँ पर, क्यों आया? रुक जाओ पिताजी, बघीरा मुझे कुछ नहीं करेगा। गुड्डी तुम दूर हटो, इसे तो अब मैं देखता हूँ, बहुत सर चढ़ा है। हट जाओ गुड्डी। नहीं नहीं, इसे मत मारो, ये मेरा दोस्त है, भूखा है, मर जाएगा, अभी बच्चा है। ये सिलसिला 2 बरसों तक चलता रहा, मैं तगड़ा और जवान हो गया। उस दौरान हमारी अच्छी दोस्ती रही, फिर अचानक एक दिन। बघीरा, बघीरा उठो जल्दी, भाग जाओ यहाँ से, मेरे पिताजी बंदूक लेके आ रहे हैं। उठो जल्दी, भाग जाओ जंगल में। गुड्डी ये क्या बेवकूफी कर रही हो? मैं इसे नहीं मारने दूंगी पिताजी। मैंने उसे खरीदा है, तुम हट जाओ गुड्डी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मत मारो, भागो भागो बघीरा। गुड्डी सुना नहीं तुमने, हट जाओ मेरे रास्ते से। जाओ फिर उसका क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल सका। उसकी आंखों में जो चमक थी अक्सर मुझे याद आती है। उसे भूलना बहुत मुश्किल है मोगली, अब मुझे तुम्हारी आंखों में भी वैसी चमक दिखाई देती है। वो कैसे? अक्सर मनुष्यों में ऐसा नहीं होता, लेकिन सब मनुष्य एक जैसे भी नहीं होते, उनमें से कुछ जंगल के दोस्त भी होते हैं। इसका मतलब मुझे मनुष्य होने पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, मैं भी जंगल का दोस्त बन सकता हूँ। हाँ मोगली, तुम तो जंगल के सबसे अच्छे दोस्त हो, इसमें क्या शक है? धन्यवाद बघीरा। तो होना ही था, जो लोग काली गुफा में आते हैं उनका यही अंत होता है। आओ घर चले। मिल गया मिल गया, अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतना बड़ा खजाना। माँ, आ गए मोगली? मुझे बंदरों के साथ नहीं जाना था, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की,
माँ तुम कैसे हो मोगली? अच्छे तो हो? किस्मत अच्छी थी, बच गया। मोगली, विक्रम, चंदा कैसे हो? तुमने मेरी जान बचाई, मैं आभारी हूँ मोगली। वाकई तुम बहुत बहादुर हो। इसलिए कि मैं ना तो मनुष्य हूँ ना ही भेड़िया। फिर कौन हो तुम? मैं सारी जंगल का दोस्त हूँ, है ना बगीरा? बिल्कुल ठीक। अरे बिल्ले, मेरे पीछे तुम उसे क्या क्या पट्टी पढ़ाते रहते हो, बताओ जरा। तुम्हारी मदद करता हूँ। वो मेरा काम है, आइंदा याद रखना भुलक्कड़। सरपंच को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मोगली। क्या मतलब? झुंड को अपना स्थान बदलना होगा, उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी मोगली। मैं चंदा के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। विक्रम? नहीं पिताजी, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं जल्दी वापस आऊंगा। वादा करो। वादा। अच्छा पिताजी। अलविदा बेटी। अच्छा दोस्तों, अलविदा। अपना ख्याल रखना चंदा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे चंदा, जल्दी वापस आना पिताजी।